तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और ये है टेक्निकल सीरीज का फोर्थ पार्ट। वैसे ऑलरेडी टेक्निकल सीरीज की 3 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न और एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, और एक मैंने वहां पर इंडिकेटर के बारे में बताया। देखो, इंडिकेटर प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न, इन दोनों को मिलाकर हम एक जो है एक ट्रेड लेते हैं, और वो ट्रेड कितनी सक्सेस होती है वो उसके हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो कौन से इंडिकेटर आपको सेलेक्ट करने हैं, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सेलेक्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि हैमर और हैंगिंग मैन था। अगर आपको डिटेल में जानना है हैमर और हैंगिंग मैन से ट्रेड कैसे ली जाती है, उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न वाली प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगी। और ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न की है। वो कौन सा है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कौन सा, हैमर और हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कहाँ बनता है, हैमर कहाँ बनता है, कब हमें ट्रेड लेनी है, वो सब कुछ डिस्कस किया है। कैसी सिचुएशन है, किस तरीके से हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने शेयर की हैं। इसी तरीके से आज की वीडियो में भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, आज जो कैंडलस्टिक है हम उसके बारे में जो बात करें, वो कौन सा कैंडलस्टिक है। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हैमर और हैंगिंग मैन, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार क्या होते हैं, देखो बिल्कुल आप ये समझ लो, जहां पर हैमर बन रहा है उसके अपोजिट जो बनेगा वो इन्वर्टेड हैमर होगा, और जहां पर हैंगिंग मैन बन रहा है उसके इन्वर्टेड जो बनेगा, उसके अपोजिट जो बनेगा वो होगा हमारा शूटिंग स्टार। मैं भी आपको बोर्ड पर चलकर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है अगर मैं थ्योरेटिकल बताता हूं, जब बोर्ड पर करके दिखाऊंगा तो थोड़ा आसानी होगी। तो हम यहां पर यही समझेंगे, शूटिंग स्टार प्लस इन्वर्टेड हैमर पर हमें कैसे ट्रेड लेनी है विद इंडिकेटर। खाली हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, ये चीज मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए अभी मैं बोर्ड पर लेकर चलता हूं, आपको वहां पर बताता हूं किस सिचुएशन में हमें ट्रेड लेनी है, और इसकी क्या कंडीशन है, और ये किस तरीके से बनता है, इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि भाई ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिएगा आप बोर्ड पर, तो अभी हम चलिए यहां पर ये देखते हैं कि ये कैसे बनता है। देखो, हमने लास्ट वीडियो जो कैंडलस्टिक पैटर्न की बनाई थी उसमें देखा था, कोई ऐसे कोई कैंडल स्टिक चल रहा है, कोई ट्रेड ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर एक हैंगिंग मैन बनेगा जिससे जो है रिवर्सल ट्रेंड आ जाएगा, फिर उसके बाद ये स्टॉक जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देखा था हैंगिंग मैन के केस में, बिल्कुल इसके सेम ही मान लो आप इसके, ठीक है, पैरेलल चलता है यही सेम चार्ट, आप मान लीजिएगा यहां पर इस तरीके से जा रहा है, यही सेम चार्ट जा रहा है। अब यहां पर हैंगिंग मैन ना बनके शूटिंग स्टार बनेगा। शूटिंग स्टार क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट। कैसे भाई, यहां पर ये जो लोअर शेडो है ये इसकी अपर शेडो बन जाएगी, ये जो इसकी बॉडी है ये नीचे आ जाएगी अपर शेडो के, ये बिल्कुल हैंगिंग मैन का अपोजिट बन जाएगा। हो सकता है इसमें छोटा सा थोड़ा सा हाई भी लग जाए, अपर शेडो भी बन जाए, इसमें लोअर शेडो या इसमें अपर शेडो, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट होगा शूटिंग स्टार। और उसके बाद यहां पर ट्रेंड क्या आ जाएगा, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार। हैंगिंग मैन में ट्रेंड ऊपर जा रहा था, हैंगिंग मैन बना, डाउन ट्रेंड आ गया। इसी तरीके से शूटिंग स्टार जब अप ट्रेंड चल रहा है, यहां पर शूटिंग स्टार बना, उसके बाद यहां पर डाउन ट्रेंड आ गया। अब ये शूटिंग स्टार कहां पर बनता है, कैसे बनता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेम बिल्कुल यहां पर हमने हैमर पैटर्न के बारे में बात की थी, तो आप देखिए ये डाउन ट्रेंड जा रहा था, डाउन ट्रेंड के जाने के बाद यहां पर हैमर पैटर्न बना, उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये क्या था हमारा, हैमर पैटर्न। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हैमर पैटर्न और ये हैंगिंग मैन क्या है, इसको डिटेल में वो इसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न वाली, ये मैंने वहां पर डिस्कस कर रखा है, इस पर किस तरीके से ट्रेड लेनी है वो भी आपको बता रखा है। तो ये यहां पर डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहां पर हैमर बना, उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो गया। ये क्या था, ये था हमारा हैमर, ये था हमारा हैंगिंग मैन, दोनों की शेप एक जैसी है, लेकिन ऊपर की तरफ जाते हुए हैंगिंग मैन बनेगा, नीचे की तरफ आते हुए हैमर बनेगा। अब बिल्कुल इसका अपोजिट इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। अब यहां पर वही सेम क्या था, यहां पर कि ये जो है डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और डाउन ट्रेंड में जाने के बाद यहां तो हैमर बना था, यहां पर इन्वर्टेड हैमर बनेगा, बिल्कुल इसका अपोजिट, और उसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। यह भी डाउन ट्रेंड में बना, लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये तो था हैमर। नॉर्मली हैमर मैंने आपको बताया था एक हथौड़े की शेप में नजर आता है, इसलिए इसको हैमर कहते हैं। हैंगिंग मैन क्योंकि एक लटकता हुआ आदमी बोलते हैं जिसको हम, तो ये ऊपर जाकर जब नीचे हैमर पैटर्न शेप में बनता है तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। इसी तरीके से ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। क्यों, इसको हमने बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया। ये हैमर, इसमें बॉडी नीचे आ गई, ये जो अपर लोअर शेड होती है इसकी अपर शेड हो गई। तो यहां पर
इसको हैमर को हम यहां पर इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, दोनों इसी ट्रेंड में बनेगा, ये नीचे जाते हुए ट्रेंड में बनेगा, इसके बाद इसमें अप ट्रेंड आएगा, ये भी नीचे जाते हुए ट्रेंड में बनेगा और जब यहां पर बन जाएगा इसके बाद अप ट्रेंड आ जाएगा। सेम यहां पर क्या है, हैंगिंग मैन ऊपर जाते हुए ट्रेंड में बनेगा, हैंगिंग मैन बनेगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड आ जाएगा। सेम शूटिंग स्टार में ऊपर जा रही है मार्केट या ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक, उसके बाद शूटिंग स्टार बना, उसके बाद यहां पर बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ ये डिफरेंस है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। हैंगिंग मैन भी हमें अप ट्रेंड में बनेगा और शूटिंग स्टार भी अप ट्रेंड में बनेगा, हैमर भी हैमर जो है हमें डाउन ट्रेंड में बनेगा और हमारा जो इन्वर्टेड हैमर है वो भी डाउन ट्रेंड में बनेगा। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बस इसको हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। जो लोअर शेडो थी वो इसमें अपर शेडो हो गई, बॉडी थी वो जो ऊपर थी वो नीचे आ गई। यहां पर भी सेम, यहां पर जो लोअर शेडो थी ये इसकी अपर शेडो बन गई, जो बॉडी थी वो नीचे की तरफ आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कहा था ना ये जो पैटर्न है इनके नाम है हैमर, हैंगिंग मैन है, इन सब के पीछे भी एक कहानी है इनको रखने के लिए, इनका नाम क्यों रखा गया, हैमर पैटर्न क्यों नाम रखा गया, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि ये एक हैमर की तरह दिखता है। हैंगिंग मैन रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ये ऊपर जाते हुए ट्रेंड में जब नीचे की तरफ आता है ना तो ये हैंगिंग मैन, एक लटका हुआ आदमी हम इसको बोलते हैं। इसी तरीके से शूटिंग स्टार आप अब देखिएगा, शूटिंग स्टार मतलब एक टूटता हुआ तारा, तो कोई तारा जब नीचे गिरता है तो वो उसको इस तरीके से डायरेक्शन होती है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है और यहां पर ये तारा है, तो इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको ड्राइंग नहीं करके दिखा रहा हूं, बट ये टूटता हुआ तारा इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, इसीलिए इसका नाम शूटिंग स्टार पड़ा। अब इन्वर्टेड हैमर, सीधी सी बात है भाई, हैमर को हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो वो इन्वर्टेड हो गया, मतलब वो उल्टा कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम इन्वर्टेड हैमर पड़ा। चारों पैटर्न के आपको नाम पता चल गए, हैंगिंग मैन लटकता हुआ आदमी, शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा, यहां पर हैमर जो कि हथौड़े की शेप में है, और ये इन्वर्टेड हैमर, हमने हथौड़े को उल्टा करके रख दिया तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर हो गया। ये चीज क्लियर है, ये कहां कहां कौन कौन सी डायरेक्शन बनेंगे ये भी आपको पता चल गया। अब क्या कंडीशन है कि हमें यहां पर पता चले शूटिंग स्टार कहां पर बन रहा है और इन्वर्टेड हैमर कहां पर बन रहा है, मैं अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पर आपको फिल्टर करके दिखाया था, याद है आपको, अगर आपने नहीं देखी देखिएगा जाकर, उसमें हमने जब वो इंडिकेटर लिए थे ना, इंडिकेटर में हमने ये सिलेक्ट किया था हैमर और ये हैंगिंग मैन, हैमर और हैंगिंग मैन ये था चूज किया था, उसमें शूटिंग स्टार और हमने इन्वर्टेड हैमर को बिल्कुल अलग कर दिया था। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम हैमर, हैंगिंग मैन और हैमर को अलग कर देंगे और शूटिंग स्टार और इसके अलावा इन्वर्टेड हैमर, इन दोनों पे ट्रेड लेंगे लाइव पर। वो कैसे लेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, प्लस इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न और प्लस में इंडिकेटर, इन दोनों को हमें ऐड करके ट्रेड लेनी है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, अभी भी बताऊंगा जब हम यहां पर शूटिंग स्टार और साथ में इन्वर्टेड हैमर पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। यानी कि खाली अगर हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड ले रहे हैं तो हमें नहीं लेनी है, यहां पर चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं प्रॉफिट होने के। इसी तरीके से खाली इंडिकेटर के बेस पर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, इंडिकेटर प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न इन दोनों को ऐड करके एक ट्रेड लेनी है, जब ज्यादा चांसेस है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, वहां पर आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। यानी कि हमेशा हमें मल्टीपल कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से मिल गया कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न कह रहा है कि यहां पर डाउन ट्रेंड में यह बन गया या अप ट्रेंड में यह बन गया, तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। प्लस वहां पर एक इंडिकेटर ने भी हमें संकेत दे दिया, हां भाई यहां से आप कॉल ले सकते हो, तो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गई, एक हमें यहां से कैंडलस्टिक पैटर्न से मिल गई और एक इंडिकेटर से मिल गई। इंडिकेटर आप चाहे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक इंडिकेटर की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है इंडिकेटर की, वहां पर मैंने एमएसीडी नहीं डिस्कस किया है, मे बी मूविंग एवरेज डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो आरएसआई और फिर उसके बाद एमएसईडी पर डिस्कस करेंगे कहां कहां पर एमएसईडी और आरएसआई के थ्रू हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी सिर्फ मूविंग एवरेज के बारे में बात की गई है और एसएमए और ईएमए के बारे में, आप देखिएगा बिल्कुल बेसिक लेवल से है, अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से वहां पर मैंने बताया है। तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस इंडिकेटर के बेस पर, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कहां पर शूटिंग स्टार क्या होता है और इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। अब ये कहां पर बनेंगे ये भी कंडीशन है, चलिए अब आगे वही समझते हैं। अब मैं यहां पर दोनों चीजें ड्रॉ कर लेता हूं, सबसे पहले हम यहां पर जो है ड्रॉ करते हैं ये शूटिंग स्टार, ठीक है, यानी कि अप ट्रेंड में जो बना वो क्या था हमारा शूटिंग स्टार, इसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये है हमारा शूटिंग स्टार। इसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो हमारा बना था यहां पर इन्वर्टेड हैमर और उसके बाद यहां पर अप ट्रेंड शुरू हो गया, ये चीज ठीक है। अब ये किस कंडीशन में बनेंगे, इनको हम पहचाने कैसे, सेम अगर आप
हैमर पैटर्न और हैंगिंग मैन के फॉर्मेशन देखेंगे सेम इनके। कैसे भाई? सबसे पहले तो उसमें क्या था, यहां पर पॉइंट यूज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसमें क्या था, लोअर शेडो बन रही थी तो लॉन्ग लोअर शेडो थी, इसमें क्या होगी लॉन्ग अपर शेडो। उसमें लॉन्ग लोअर शेडो थी, इसमें लॉन्ग अपर शेडो होगी। और ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि देखो फिल्टर लगा के हम आसानी से देख सकते हैं किसी भी चार्ट पे, बट फिर भी कुछ चीजें हमें वैसे भी आनी चाहिए। ठीक है, चार्ट पर बहुत सारी फैसिलिटी है, इंडिकेटर आप फ्री में यूज कर सकते हैं, 3 इंडिकेटर तक, जो कि हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हैं। अगर आप बिगनर हो ना तो आपको जरूरत भी नहीं है भाई बाय करने का, 3 इंडिकेटर बहुत होते हैं, जिसमें हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न लगा लेना है या 2 इंडिकेटर लगा लेना है, 3 इंडिकेटर मिल जाएंगे, 3 के कंफर्मेशन पर हमें ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें उसमें तो लॉन्ग लोअर शेडो थी क्योंकि वो इसका अपोजिट था, यहां पर लॉन्ग अपर शेडो है दोनों के केस में, यहां पर किसमें इन्वर्टेड हैमर में भी और शूटिंग स्टार में भी। दूसरा पॉइंट, इसकी बॉडी भी क्या होगी, सेम होगी स्मॉल बॉडी जो कि उन दोनों के केस में थी, हैंगिंग और हैमर के केस में। ठीक है, तो स्मॉल बॉडी यहां पर हो जाएगी। इसके बाद यहां पर जो तीसरा पॉइंट है सेम, इसकी जो अपर शेडो होगी वो लगभग लगभग या कम से कम मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम 3 गुना होगी बॉडी की। ठीक है, अपर शेडो 3 टाइम्स बॉडी, मतलब अब ये समझिएगा आप, यहां पर ये है एक बॉडी, ये एक आप इसको चाहे शूटिंग स्टार मान लो या फिर एक इन्वर्टेड हैमर मान लो, ये है इसकी बॉडी, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये होगा इसकी बॉडी, ये ओपन क्लोज या क्लोज ओपन हो सकता है। ठीक है, रेड और ग्रीन के कैंडल केस में। अब ये जो इसमें अपर शेडो है ये इस बॉडी की 3 गुना होगी। मान लीजिएगा ये बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी जो है 1 इंच है, ठीक है, तो ये 3 इंच होगी कम से कम, ये वाली बॉडी जो है ये 1 इंच है, तो ये जो इसकी अपर शेडो है ये कम से कम 3 इंच होगी, 3 गुना कम से कम होनी ही चाहिए, तब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि भाई यहां पर शूटिंग स्टार या फिर ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। तो अपर शेडो लगभग बॉडी से 3 गुना होगी, ये क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा यहां पर, देखो इस चीज में एक कंडीशन और हो सकती है, वो क्या है, ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती, वही दोनों सिचुएशन उसमें भी थी, तो एनी कलर डजंट मैटर क्या कलर है क्या नहीं है, तो इसमें हम एनी कलर लिख सकते हैं, ये रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है, एक हैमर पैटर्न हो गया, डोजी हो गया, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ज्यादातर केस में क्या है कि उनमें कलर डजंट मैटर है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो एक अलग चीज है, डबल ट्रिपल क्या होते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी हम सिंगल से ही शुरू कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बेस पर हमें ट्रेड लेनी है। फिर एक मल्टीपल होता है, जैसे मैं आपको बता दूं ये हो गया, ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये तो ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, अभी हम सिंगल पे बात कर रहे हैं, तो ये सिंगल है, तो इसमें क्या है, पहला लॉन्ग अपर शेड होगी, स्मॉल बॉडी होगी, अपर शेडो 3 टाइम्स होगी बॉडी की, यहां पर एनी कलर होगा, कोई भी कलर हो सकता है, रेड भी और ग्रीन भी। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की, चौथा पॉइंट क्या है, हैमर और हमने हैंगिंग मैन के केस में क्या देखा था, ऊपर जाते हुए या नीचे आते हुए, सेम अगर हम यहां पर शूटिंग स्टार की बात करें तो ये अप ट्रेंड में बनेगी, ठीक है, ये अप ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है, ये वाला शूटिंग स्टार, और अगर हम वहीं पर हम इसकी बात करें किसकी, ये आप अलग अलग नोट कर लीजिएगा, बस इसमें कुछ पॉइंट चेंज है, किसमें इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में, तो शूटिंग स्टार में तो अप ट्रेंड में बनेगी कैंडल, लेकिन वहीं पर अगर हम शूट इसकी इन्वर्टेड हैमर की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर में डाउन ट्रेंड में बनेगा। अब ये कैसे बनेगा ये भी आपको मैं बता चुका हूं, बाकी एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यहां पर शूटिंग स्टार बना, इसके बाद डाउन ट्रेंड आ गया, तो ये अप ट्रेंड में बनेगा, इसके बाद बुलिश बेयरिश ट्रेंड आ जाएगा। वहीं पर अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है और यहां पर क्या बना इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद अप ट्रेंड आ जाएगा, तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगा और इसके बाद अप ट्रेंड में आ जाएगा। और पांचवा पॉइंट है यहां पर हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम तो आपको हर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ देखना है, अगर हाई वॉल्यूम आ रहा है तो चांस ज्यादा है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब यहां पर इन दोनों के लिए अलग अलग होगा, अगर हम शूटिंग स्टार की बात करें तो भाई ये अप ट्रेंड में बनेगा, तो यहां पर एक बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है, बियरिश ट्रेंड रिवर्सल रिवर्सल। और वहीं अगर हम इसकी बात करें इन्वर्टेड हैमर की, तो यहां पर बुलिश, ये इसको मैं हटा देता हूं, बुलिश रिवर्स होगा, ठीक है, ये एक ही पॉइंट है, यहां पर बुलिश होगा, बुलिश रिवर्सल ट्रेंड, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। यहां पर इन देखो फॉर्मेशन दोनों की सेम है, बस क्या चेंज है,
जो शूटिंग स्टार है वो अप ट्रेंड में बनेगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, बेरिश ट्रेंड आ जाएगा, और जो ये हमारा इन्वर्टेड है हमारे, ये हमारा डाउन ट्रेंड में बनेगा यहां पर, ठीक है, और उसके बाद बुलिश जो रिवर्सल ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन तो यही है। एक तो लॉन्ग अवर अपर शेडो आपको चेक करनी है, स्मॉल बॉडी चेक करनी है, अपर शेडो 3 times होगी बॉडी की, कलर डजेंट मैटर, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, अप ट्रेंड में बनेगा शूटिंग स्टार और डाउन ट्रेंड में बनेगा इन्वर्टेड हैमर, और इन्वर्टेड हैमर में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा और जो शूटिंग स्टार है उसमें एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। इसमें एक पॉइंट और ऐड करते हैं, इसमें जो लोअर शेडो है या तो वो नहीं होगी, नो लोअर शेडो, या फिर अगर होगी तो वो बहुत छोटी सी होगी, मिनिमम होगी वो बहुत ज्यादा, ठीक है, मिनिमम लोअर शेडो होगी या फिर बिल्कुल भी लोअर शेडो नहीं होगी, बस यही इसके फॉर्मेशन है। अगर ये कंडीशन आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब यहां पर शूटिंग स्टार और जो है इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर, अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार बनेगा, ये इसके फॉर्मेशन है। ये कंडीशन अगर आपको किसी कैंडल में नजर आ रही है तो इसका मतलब वो या तो शूटिंग स्टार बन रहा है या फिर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। अब चलो मैं आपको एक कैंडल और ड्रॉ करके दिखाता हूं, वहां पर थोड़ा सा हम इसको बहुत एक्सप्लेन करेंगे इजीली वे में, ठीक है, आप देखिएगा यहां पर। अब मैं आपको यहां पर एक कैंडल स्टिक बना के दिखाता हूं, ये शूटिंग स्टार भी हो सकती है, इन्वर्टेड हैमर भी, ठीक है। तो आप देखिएगा यहां पर लॉन्ग शेडो, लो अपर शेडो, ये भी है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल बॉडी, ये रही स्मॉल बॉडी भाई। इसके बाद अपर शेडो 3 times, लगभग 3 times है अपर शेडो इस बॉडी की, सही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एनी कलर, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, डजंट मैटर, ये भी ठीक है। अब अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है और इसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो रहा है तो क्या होगा, ये होगा हमारा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, IH। और अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है और इसके बाद डाउन ट्रेंड आ रहा है तो क्या होगा, ये शूटिंग स्टार, ठीक है, SS, ये हो गया। इसके बाद इसमें हाई वॉल्यूम अगर आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम उतना किसी कितना भी आ सकता है उस दिन, हाई है तो अच्छी बात है, वहां पर चांसेस हैं कि भाई इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ट्रेड मिल सकती है। अब वही अगर ये नीचे की तरफ आते हुए बन रहा है, इसके बाद ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर और ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पर कैंडलस्टिक बना, नीचे की तरफ आ गया उसके बाद, तो ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार। यहां पर लोअर शेडो या तो बहुत छोटी सी होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब मान लीजिएगा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर हल्की सी लोअर शेडो, यहां पर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक चीज और है, यहां पर मैं आपको वो ऐड कर देता हूं, अगर इसका जो ओपन है, ये जो ओपन है ये बिल्कुल अगर रेड कैंडल बन रही है, ओपन और लॉ इसका एक ही है, ओपन एंड लॉ या फिर क्लोज एंड लॉ, ठीक है, अगर ओपन यहां पर हो रही है और इसमें कैंडलस्टिक नहीं बननी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये ग्रीन कैंडल है और यहां पर ये क्लोज हो रही है और ये इसका हाई, ये भी इसका लो है, इसके नीचे कोई अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर तो बेस्ट है कि हाँ भाई ये एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न है और हमें यहां पर चांस है बाय करने का। अब देखो ये ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की है, हो सकता है कुछ लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन हो तो वो आप हैमर पैटर्न वाली वीडियो देख लेना, वहां पर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा अगर आप बिल्कुल नए हैं तो। ये इसके फॉर्मेशन है, इसके बिहाव पर आप कैंडलस्टिक को पहचान सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल उल्टा हैमर हो गया या फिर एक शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन का बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो इसी की वजह से ये जो सारे चीजें हैं, फॉर्मेशंस हैं, ये कंडीशंस हैं, अगर ये अप्लाई होती हैं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ही हम ट्रेड लेते हैं। ये तो चीजें क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हैमर पैटर्न और इन्वर्टेड, जो हैमर पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर से, और शूटिंग स्टार को करेंगे हम हैंगिंग मैन से, तो एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है। तो हमने लास्ट वीडियो में एक तो हैमर पैटर्न की बात की थी, ठीक है, हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, और इसके अलावा शूटिंग स्टार हो गया और इन्वर्टेड हैमर हो गया। अब ये 4 कंडीशन है, ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इन 4 कैंडलस्टिक पैटर्न में से मैं जो ज्यादा यूज करता हूं वो एक हैमर
और हैंगिंगमैन ये ज्यादा यूज करता हूँ। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर मैं बहुत कम यूज करता हूँ, बट ऐसा नहीं कि इन पर ट्रेड नहीं मिलती है, मिलती है। अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड की एक्यूरेसी होती है वो हैमर में होती है, जो कि 90% तक बताई जाती है। इवन जरूरी नहीं है 90% हो, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, डिटेल में आप देखिएगा वहां पर सब कुछ पता है। हैंगिंग मैन की थोड़ी कम होती है, शूटिंग स्टार की भी कम होती है और इन्वर्टेड हैमर की भी। तो सबसे ज्यादा अगर मेरे अकॉर्डिंग, मेरा प्लस मेरा क्या ओपिनियन है, अगर आपको सबसे ज्यादा ट्रेड लेनी है तो इन चारों में से आप हैमर पैटर्न पे लेंगे तो ज्यादा बेटर है। हैमर पैटर्न प्लस एक कैंडलस्टिक, वो सॉरी इंडिकेटर कोई भी सभी जोड़ लो, उसके साथ आपको ट्रेड मिलेगी, तो हैमर पैटर्न पे ट्रेड लो, आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। तो हमें ज्यादातर फोकस आपको क्या करना है, हाँ ठीक है आप हैंगिंग मैन यूज कर सकते हो, हैमर और हैंगिंग मैन पे आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर पे आपको कम मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट लेते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का क्या तरीका है वो भी आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप वहां पर देखिएगा। बट अब यहां पर अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो इनकी 50-60% है शूटिंग स्टार की, 50-60% भी तब है अगर आप कंटिन्यू काम करते हो और प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, किसकी, शूटिंग स्टार की। ऐसे इन्वर्टेड हैमर की भी 50-60% के समथिंग की एक्यूरेसी है, और वहीं अगर हम हैंगिंग मैन की बात करें तो हैंगिंग मैन में भी 50-60-70% तक की एक्यूरेसी बताई जाती है। ये सिर्फ बताई जाती है भाई, एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। एक तो बताना और एक होना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी एक्चुअल में, आप लास्ट वीडियो देखेंगे वहां पर भी डिस्कस किया है मैंने, लाइव चार्ट आपको दिखाया, वहां पर हैमर में ही ज्यादा एक्यूरेसी आई है, और हैमर में ही आप देखेंगे सबसे ज्यादा आपको एक्यूरेसी बताते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स भी। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस किस पे करना है, हैमर पैटर्न पे करना है। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर आप बेसिक सीख लो, थोड़ा सा आप लाइव चार्ट पर जाकर फिल्टर लगाकर देखो, ये चीज देखो जरूर, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे ख्याल से 26-27-29-30 के आसपास कैंडलस्टिक पैटर्न है टोटल की अगर हम बात करें तो। उन मान लीजिएगा 30 कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो 30 कैंडलस्टिक पैटर्न में से आपको 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक जबरदस्त पकड़ बनानी है और उसी के ब्याह पर आपको हमेशा ट्रेड लेनी है, तब आपके ज्यादा सक्सेस होने के चांस होंगे। क्यों, जो 2-3 कैंडलस्टिक पर आप प्रैक्टिस करोगे भाई, इसमें आप इतनी कमांड बना लोगे ना अपनी, परफेक्ट हो जाओगे एकदम, और परफेक्ट हो जाओगे तो आपको कैंडलस्टिक दिखते ही समझ आ जाएगा यहां पर ट्रेड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसलिए सब पे फोकस नहीं करना, सीखो सब, लेकिन जिसमें परफेक्ट बनना है वो 2 या 3 या 1, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 4 पकड़ लो 5 पकड़ लो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ऐसे होने चाहिए कि जहां भी आपको कैंडलस्टिक दिखे तो आप देखते ही समझ जाएं कि भाई यहां पर ट्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये आपको 2 या 3 कैंडलस्टिक पकड़ने, और उन 2 या 3 कैंडलस्टिक में मेरे अकॉर्डिंग एक हैमर पैटर्न जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये बहुत सिंपल है, मतलब इतना सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और एक्यूरेसी आप देखो उसमें बहुत ज्यादा है। लास्ट वीडियो मैंने शॉर्ट्स भी बना रखी है चैनल पर, 100% एक्यूरेसी मिली चार्ट ट्रेड में जब हमने चार्ट देखा था। अब ऐसा नहीं है कि 100% ही मिलेगी, बट ठीक है वो इत्तेफाक मान लो आप, वहां पर 100% हमें यहां पर जो है ट्रेड मिली। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या, हैमर पैटर्न पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और हैंगिंग मैन पे, इन दो पे आप फोकस करो। जो मैंने पहले वाली वीडियो बनाई है कैंडलस्टिक पैटर्न की, इन पे आप करना चाहे कर सकते हैं, इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट अगर इनसे कंपेयर करें तो ये ज्यादा एक्यूरेट है इसके कंपैरिजन में, कौन सा, हैमर और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। तो हमें क्या करना है, हैमर और हैंगिंग मैन पे हमें फोकस करना है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। बट ये कैंडलस्टिक पैटर्न इसका मतलब खराब नहीं हो जाते, ये भी अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप इन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया हो इससे रिलेटेड, चाहे वो हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार हो, इन्वर्टेड हैमर हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर बहुत सारी चीजें आपके डाउटफुल हैं तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और उसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक लाइव सेशन करेंगे सिर्फ जिसमें हम टेक्निकल की बात करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया, और बहुत सारी मैं आपको स्ट्रेटेजी भी देने वाला हूं जल्दी आपको, मे बी 2-3 महीने के अंदर काफी सारी स्ट्रेटेजी भी मिल जाएंगी शेयर पर, आप खुद से ट्रेड ले सकें। तो आपको ये इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बाकी लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर पर, सबसे पहले हमें यहां पर देखना है एक कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, और प्लस एक इंडिकेटर, यानी कि हम यहां पर सबसे पहले शूटिंग स्टार की बात कर लेते हैं। शूटिंग स्टार कब बनेगा, जब स्टॉक में होगा अप ट्रेंड,
यहां पर बना शूटिंग स्टार, ये बन गया। अब यहां पर क्या था, यहां पर इसके बाद डाउन ट्रेंड आएगा, वो तो बाद में आएगा, हमें यहां पर ट्रेड कैसे लेनी। ये शूटिंग स्टार हमें नजर आ गया। अब यहां पर ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज जा रहा था। अब यहां पर ये देखिएगा आप, यहां पर क्या हुआ भाई, एक तो यहां पर कंफर्मेशन मिल गया हमें, यहां पर शूटिंग स्टार बन गए क्योंकि अब ट्रेंड में बन रही है। दूसरा यहां पर आप देखेंगे ये मूविंग एवरेज है, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, वो अलग अलग हो सकता है। मूविंग एवरेज के बारे में आप जो प्लेलिस्ट है एक और इंडिकेटर, उसमें जाकर देख सकते हैं कहां पर बनेगा। ठीक है, ये बन रहा था यहां पर। उसके बाद क्या हुआ कि ये मूविंग एवरेज यहां पर तो हमें अप ट्रेंड दिखा रहा था, जैसे ये क्रॉस करके इधर की साइड आया तो हमें इसमें डाउन ट्रेंड नजर आ गया। तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गए, एक तो यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया मतलब बाय करो, ऊपर से यहां पर मूविंग एवरेज ने भी हमें बाय रिकमेंडेशन दे दी, तो एक तो बाय हमें कैंडलस्टिक से मिल गया, एक इंडिकेटर से मिल गया, तो हमें दो कंफर्मेशन मिल गया यहां पर बाय के। तो इसी को हम मल्टी कंफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मल्टी कंफर्मेशन मिल गए तो अच्छी बात है, यहां पर चांसेस ज्यादा है कि यहां पर हमें ट्रेड मिल सकती है, हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, कहां पर, जब हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाती है तो हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस एक इंडिकेटर, अब वो इंडिकेटर मूविंग एवरेज भी हो सकता है, आरएसआई भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मैंने खाली मूविंग एवरेज की वीडियो बनाई है, नेक्स्ट वीडियो आरएसआई की आएगी तो हम वहां पर डबल जो है मूविंग वो लगाएंगे इंडिकेटर, एक कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस दो इंडिकेटर यूज करके हम ट्रेड लेंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आरएसआई की वीडियो बनाऊंगा। तो ये तो हो गया कब, शूटिंग स्टार के केस में। वहीं पर अगर हम इन्वर्टेड हैमर के केस में देखें तो इन्वर्टेड हैमर कब बनता है, जब स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड जा रहा था। अब यहां पर क्या था कि ये है इसका मूविंग एवरेज, ठीक है, ये मूविंग एवरेज है इसका, और इसके बाद ये मूविंग एवरेज ऐसे बन गया और यहां पर कैंडल बननी शुरू हो गई। तो अब क्या हुआ यहां पर भाई, एक तो हमें यहां पर इन्वर्टेड हैमर था, इसने बाय कॉल दे दी। इसी तरीके से यहां पर ये जो इसने क्रॉस किया मूविंग एवरेज ने, 20, 50, 100, 200 कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर इसने मूविंग एवरेज इंडिकेटर ने बाय कर दिया। तो मतलब एक बाय हमें कैंडलस्टिक ने दिया, एक इंडिकेटर ने दिया, तो हमारे दो बाय हो गए, दो कंफर्मेशन मिल गए हमें डबल। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मल्टी कंफर्मेशन। तो हमें ट्रेड कैसे लेनी है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न ने हमें बाय रिकमेंडेशन करी, उसके बाद एक हमें इंडिकेटर ने बाय रिकमेंडेशन करी, दोनों तरफ से हमें बाय रिकमेंडेशन मिल रही है, तो ज्यादा चांस है कि हमें प्रॉफिट हो सकता है, तब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेड कितने की लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो जल्दी आ जाएगी, मेरी एक प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट बेसिक, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कैसे ट्रेड लेनी है। अब बाकी का प्रोसेस जो हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चढ़कर लाइव देखेंगे, कैसे हमें फिल्टर लगा के शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के बेस पर ट्रेड लेनी है, तो आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेगा आगे। तो अब आगे हम लैपटॉप की स्क्रीन पर यही देखेंगे कि कैसे हम फिल्टर लगाकर शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अभी आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस आपको एवरी वीक मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक की और अदर जैसे किसी स्टॉक की आपको जानकारी चाहिए तो वो वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलती है, आप यहां पर देख सकते हैं। अभी हम एक कोई भी एक रैंडमली एक चार्ट पकड़ लेते हैं, मैंने यहां पर इन्फी का चार्ट ओपन कर रखा है। अब यहां पर हम सबसे पहले इंडिकेटर में, वही जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हमें कहां पर जाना है, इंडिकेटर में जाके हमें फिल्टर यूज करने हैं। ये इंडिकेटर, इस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैं इंडिकेटर पर क्लिक करूंगा, यहां पर मैं सर्च करूंगा हैमर, हैमर पैटर्न। अब जैसे मैं हैमर पैटर्न यूज करूंगा तो आपको ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, कर्सल आप देख सकते हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, मुझे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे ये नजर आ गया, यहां पर हैमर और हैंगिंग मैन, इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें हैंगिंग मैन और हैमर को हटा देना, क्योंकि हमें सिर्फ यहां पर शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर पे काम करना है। अगर आप चारों पे काम करना चाहते हैं तो हैंगिंग मैन और हैमर और ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, हैंगिंग और हैमर में को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको यहां पर शूटिंग स्टार में जाना है, अपना एक कोई कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करिएगा जरूर, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहां पर मैं शूटिंग स्टार में ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं और इसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, यहां पर ये बढ़ा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने कैपेसिटी बढ़ाई इसकी। इसके बाद सेम मुझे यहां पर इन्वर्टेड हैमर में भी यही करना है, कोई कलर सेलेक्ट करना है, मैंने यहां पर येलो कर लिया और उसके बाद इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। ठीक है, अब जहां जहां पर होगा ये इन्वर्टेड हैमर वहां में ये शो हो जाएगा। देखो आप, यहां पर इन्वर्टेड हैमर ये शो रहा है, यहां पर देखो येलो वो बन गया। ठीक है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ये है 20 दिनों का मूविंग एवरेज, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं।
यह 20 दिनों का मूविंग एवरेज 50, 100, 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हमने यूज किया है, क्यों यूज किया है, सारा रीजन आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहां पर यह प्लेलिस्ट नजर आएगी, कौन सी, ये वाली इंडिकेटर वाली, इसमें मैंने मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस किया है, ईएम में क्या है, एसएम में क्या है, कौन सा हमें यूज करना है और 20 दिन का कहां पर यूज करना है, 50 दिन का कहां पर यूज करना है, ये सब यहां पर डिस्कस किया है। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर और हैंगिंग मैन की ऑलरेडी बना चुका हूं, बाकी दूसरी वीडियो ये ऐड हो जाएगी। अब हमें देखो ट्रेड कैसे लेनी है, यहां पर आप देखेंगे, देखो सेम मैंने अभी आपको बोर्ड पर दिखाया था ना, ये बन रहा है हमारा, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, ये हमारा क्या है, ब्लैक कलर हमने किस चीज के लिए सिलेक्ट किया था, आप जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा, शूटिंग स्टार के लिए, मतलब यहां पर शूटिंग स्टार बन रहा है, बिल्कुल सेम वही चार्ट जो भी मैंने आपको बोर्ड पर बनाकर दिखाया था वही इन्फी में बना। आप देखिएगा कैसे, भाई देखो यहां पर स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा था, अप ट्रेंड में जाकर यहां पर एक शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है, यहां पर हमें एक कंफर्मेशन मिल गई, यानी कि भाई अप ट्रेंड में जाता हुआ शूटिंग स्टार बना है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड आएगा, तो एक कंफर्मेशन हमें यहां से मिल गई। दूसरी आप देखो यह मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज जो है कैंडल्स के नीचे था, लेकिन जैसे ही यहां पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी उसके बाद ये मूविंग एवरेज आप देखो कैंडल्स के ऊपर आ गया, मतलब यहां पर हमें ईएमए ने भी क्या दिया, बाय रिकमेंडेशन दे दी, ठीक है, ईएमए ने एक तो कैंडलस्टिक ने हमें बाय दिया, दूसरा हमें यहां पर इंडिकेटर ने बाय दिया, तो हमारे पास एक बाय कैंडल और एक बाय इंडिकेटर से हुआ, तो कितना हो गया, दो, हमें यहां पर दो जगह से हमें कंफर्मेशन मिल गई, दो जगह से कंफर्मेशन मतलब एक मल्टी कंफर्मेशन मिल गई हमें यहां पर, और मल्टी कंफर्मेशन मिली तो हमें चांस है कि हम यहां से बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि इस लेवल से हमें चांसेस होते हैं ज्यादा प्रॉफिट होने के, और वही हुआ, मल्टीपल कंफर्मेशन मिली, उसके बाद स्टॉक नीचे गया, तो आप देखो यहां से स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ कि नहीं हुआ, अब ट्रेंड में बना था, शूटिंग स्टार बना, कैंडल ने बाय, यहां पर हमें इंडिकेटर नहीं बाय, और उसके बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, शूटिंग स्टार के बाद स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, तो यहां से हमें ट्रेड मिल गई, सक्सेस हो गई। तो आप देख रहे हो मल्टीपल कंफर्मेशन क्यों जरूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न से भी और इंडिकेटर से भी, तो हमें यहां पर शूटिंग स्टार से बाय मिली। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे कई जगह ट्रेड फेल भी होती है, फेल होती है, जैसे यहां पर एक ये क्या है, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर, इसके बाद स्टॉक ऊपर जाना चाहिए था, हालांकि ऊपर ही गया, अगर आप देखोगे यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना, स्टॉक ऊपर ही गया, दोनों चीजें यहां पर भाई, मूविंग एवरेज यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने भी हमें बाय रिकमेंडेशन कर रखी है, क्योंकि जब भी ये लाइन कैंडल से नीचे होगी तो हमें बाय करना है, कैंडल के ऊपर होगी तो सेल करना है, देखो यहां पर कैंडल से नीचे है लाइन तो हमें बाय कर लिया, यहां पर कैंडल से ऊपर चली गई तो हमने सेल कर देना है, तो यहां पर हमने सेल किया, तो यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना, कैंडल से नीचे लाइन है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बना यहां पर, लेकिन इन्वर्टेड हैमर बीच में बना यहां पर, तो यहां पर हमें ट्रेड नहीं लेनी है, भले ही आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है कि भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर हमें यहां पर ट्रेड मिले, लेकिन जब भी इन्वर्टेड हैमर पे हमें ट्रेड लेनी है जब डाउन ट्रेंड होगा, और यहां पर इन्वर्टेड हैमर बनेगा उसके बाद डाउन ट्रेंड लेनी है, ये पहले से अप ट्रेंड में था फिर भी यहां पर इन्वर्टेड हैमर बन गया तो हमें यहां पर ट्रेड नहीं लेनी है, हालांकि यहां पर सक्सेस हुई है लेकिन हमें नहीं लेनी है, तो कहां पर लेनी है अब वो भी आपको मैं बताता हूं। तो आप ये देखिएगा यहां पर ये है कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेड लेने का तरीका, क्या है यहां पर आप देखिएगा, ये है भाई ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ये यहां पर इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद अप ट्रेंड आ गया, ये अप ट्रेंड भी आया, प्लस यहां पर ये आप देखोगे तो ये भी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये भी कैंडल से नीचे आ गई, तो एक तो हमें यहां पर बाय कंफर्मेशन मिला, दूसरी चीज हमें यहां पर कैंडलस्टिक मूविंग एवरेज ने भी बाय रिकमेंडेशन की, मतलब वही दो कंफर्मेशन मिली हमने बाय किया। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर इन्वर्टेड हैमर तो यहां बन रहा है लेकिन मूविंग एवरेज हमें यहां पर बाय करने के लिए बोल रहा है, तो आपको हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन करना है, जब आपको इन्वर्टेड हैमर मिल गया उसके बाद जब तक आपको मूविंग एवरेज भी बाय करने के लिए नहीं बोलता है तब तक बाय नहीं करना है, क्लियर है, मतलब यहां पर आपको बाय नहीं करना था, यहां पर एक कंफर्मेशन मिली उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन यहां पर मिली तो हमें यहां पर बाय करना है, और ऐसा नहीं कि इसमें 100% आपको ट्रेड मिलेगी, ट्रेड फेल भी हो सकती है जो कि अभी मैं आपको आगे चलकर दिखाने वाला हूं, तो आपको एक सिर्फ एक कंफर्मेशन पे बाय नहीं करना है, यहां पर हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन मिली तो एक कंफर्मेशन पे बाय नहीं करना, यहां पर दूसरी मिली तो हमें यहां पर बाय करना है, और उसके बाद आप देखो ये हमें ट्रेड कितनी जबरदस्त मिली है ना, और उसके बाद यहां पर शूटिंग स्टार बना, यहां पर सेल भी मिल गई, तो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन पे काम करना है। अब देखो फेल ट्रेड मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कहां बनी है, आप देखिएगा ये देखो फेल ट्रेड, ये है शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार पहली बात तो आपको डाउन ट्रेंड में आते हुए नजर आ रहा है, और शूटिंग स्टार हमारा कब बनेगा
आप देखिएगा यहां पर कब बनेगा शूटिंग स्टार, जब ऊपर जाते हुए बनेगा शूटिंग स्टार, उसके बाद हमें यहां पर सेल करना है तब नीचे आएगा। लेकिन ये तो पहले से ही नीचे आया था, नीचे आते हुए भी शूटिंग स्टार बन गया, तो हमें बाय नहीं करना है, सिंपल सी चीज। हालांकि आप देखोगे यहां पर हमें मूविंग एवरेज भी कह रहा है कि आप जो है सेल कर सकते हो, और यहां पर हमें मूविंग ये ईएमए भी कह रहा है, ठीक है, सॉरी शूटिंग स्टार भी बोल रहा है सेल कर सकते हो, लेकिन हमें यहां पर ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि हमारे सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे हैं। अगर ये इस तरीके से जाते हुए यहां पर शूटिंग स्टार बनता तब बाय कर सकते थे। सेम आप देखेंगे यहां पर क्या है, ये इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर कैसे बनेगा, ऊपर जाते हुए यहां पर, सॉरी नीचे आते हुए बनेगा, यहां पर आप देखेंगे तो नीचे आते हुए यहां पर बनेगा, लेकिन ये क्या है कि ऊपर जाते हुए बन रहा है। तो आपको क्राइटेरिया जरूर देखने हैं। शूटिंग स्टार आपको सिर्फ तब ट्रेड लेनी है जब, जैसे कि यहां पर हुआ, स्टॉक ऊपर जा रहा है, शूटिंग स्टार बना, ठीक है, चांस है ऊपर, आप यहां पर सेल करो, और यहां पर जो मूविंग एवरेज है उसने भी सेल करने के लिए बोला, तब आपको बाय करना है। अगर बीच में कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, चाहे वो शूटिंग स्टार की हो, इन्वर्टेड हैमर की हो, हैमर की हो या हैंगिंगमैन की हो, तब आपको बाय नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आप इस तरह के काफी सारे चार्ट देख सकते हैं, ऐसे आपको फिल्टर लगाना है, और उसके बाद आप यहां पर देखिएगा, यहां पर ट्रेड नहीं मिल रही है फेल हो रही है, यहां पर ट्रेड नहीं मिल रही है फेल हो रही है, यहां पर ट्रेड नहीं मिल रही है फेल हो रही है, यहां पर मिल रही है, ठीक है, ये मिली यहां पर, ठीक है, यहां पर फेल है अगर आप देखोगे, क्योंकि यहां पर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर मिली है बट मूविंग एवरेज के बेस पर नहीं मिल रही है। जहां पर हमें मूविंग एवरेज के बेस पर भी मिलेगी, यहां पर मिली मूविंग एवरेज के बेस पर ट्रेड, ठीक है, आप देख लो यहां पर मिली, यहां पर हमें फिर इससे इसके बेस पर मिली, शूटिंग स्टार के बेस पर, मूविंग एवरेज के बेस पर। तो जहां पर आपको दोनों चीजें बाय या सेल कॉल देता है तभी आपको बाय करना है, एक चीज के बेस पर बाय नहीं करना है ना ही सेल करना है। तो आपको इस तरीके से आप पूरे चार्ट में देखोगे, आपको मैं कह रहा हूं कि एक चार्ट में अगर आप 15-20 साल का चार्ट देखोगे 50 से भी ज्यादा ट्रेड मिल जाएंगे, और उन 50 ट्रेड के बेस पर आप देख सकते हो कितने परसेंट एक्यूरेसी है, कितने परसेंट एक्यूरेसी है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं। देखिएगा आप यहां पर मान लीजिएगा इस चार्ट में हमें 50 यहां पर हैंगिंग मैन या फिर आप मान लीजिएगा इन्वर्टेड जो है हैमर, उसके बेस पर 50 ट्रेड हमें यहां पर नजर आ रही है। अब उन 50 ट्रेड में से हमें देखना है कितनी सक्सेस हुई है। अब मान लीजिएगा 50 में से यहां पर 30 ट्रेड तो सक्सेस हुई है, लेकिन 20 ट्रेड हमें सक्सेस नहीं हुई, जैसे यहां पर ये सक्सेस नहीं हो रही है, ठीक है, 20 ट्रेड सक्सेस नहीं हुई है, तो हमें यहां पर अब रेशियो निकाल लेना है। 50 में से 30 मतलब हमें यहां 60% एक्यूरेसी मिली इस चार्ट में, 40% एक्यूरेसी नहीं मिली, तो मतलब हमारे यहां पर 60% एक्यूरेसी स्कोर आ गया। और ये सिर्फ एक चार्ट में देखना है, मल्टीपल काफी सारे चार्ट्स में आपको देखना है, उसके बाद आपको यहां पर एक्यूरेसी निकालनी है। और इन चार्ट्स पर आपको अभी मैंने इन्फी दिया है, अब इसके अलावा आप यहां पर विप्रो पे देख सकते हो, आपको मल्टीपल चार्ट्स पे देखना है, एक चार्ट पे काम नहीं करना है, ठीक है, मल्टीपल चार्ट्स पे देखो। देखो यहां पर शूटिंग स्टार बन रहा है लेकिन गलत जगह बन रहा है, ट्रेड नहीं मिल रही है, यहां पर भी ट्रेड नहीं मिल रही है, यहां पर भी नहीं मिल रही है, यहां पर भी नहीं मिल रही है, तो बहुत सारी जगह आपको ट्रेड नहीं मिलेगी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद भी, तो जरूरी नहीं 100% हो है, तो आपको यहां पर यही चीज चेक करनी है। आप ये चीज चेक कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आपको इनके बेस पर आपको चार्ट वो जो है ट्रेडिंग ट्रेड करनी है, इनके बेस पर आपको कोई भी स्टॉक को पिक करना है। अब यहां पर यह चीज तो आपको क्लियर हो गई, शूटिंग स्टार, हैमर, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर, चार कैंडलस्टिक पैटर्न की हमने बात की है प्लस एक इंडिकेटर की। इन चार कैंडलस्टिक पैटर्न और इस इंडिकेटर के बेस पर अगर आपको कोई भी ट्रेड मिलती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो शॉर्ट ट्रेड फैमिली की तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको टाइम पर पता चलेगा, ठीक है, मैं आपको डिस्कस करूंगा चैनल पर ही अपने। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी डेली बेसिस पर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेक्निकल की सीरीज सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहां पर वन ईयर चैलेंज की कल वीडियो आ जाएगी वन ईयर चैलेंज की, ठीक है, तो वो भी एक प्लेलिस्ट ऐड होने वाली। बाकी टेक्निकल हो गया, स्टॉक फॉर फ्यूचर हो गया, स्टॉक किसी भी स्टॉक की हिस्ट्री देखनी है जो वंडरफुल रही है, जिसके भी आप हम देख सकते हैं इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, वो हो गया, स्टॉक मार्केट बेसिक हो गया, क्यू एन ए सेशन हो गया, हाई सीएजीआर स्टॉक्स, कम से कम पैसा लगाकर हम कितना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके अलावा स्टॉक फंडामेंटल हो गया, ये सारी प्लेलिस्ट आप जरूर से देख लीजिएगा अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में काम करना है। बाकी वेबसाइट आने वाली है नेक्स्ट वीक तक हमारी, उस पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट, इवन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर नॉलेज मिलेगी, और साथ में मिलकर ट्रेड भी करेंगे। और चैनल सेक्शन में जाएंगे तो डेली एक पेनी स्टॉक की वीडियो के लिए आपको लकी शेयर्स को सब्सक्राइब करना है, डेली एक पेनी स्टॉक की वीडियो मिलती है, ट्रेडर लकी को भाई कर लो सब्सक्राइब। इवन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अलावा हम कहां कहां से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो सब आपको मिलेगा ट्रेडर लकी पर, तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये जो सेशन है ये काफी अच्छा लगा होगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने फर्स्ट टाइम सीखी वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने लास्ट वाली जो वीडियो हमने बनाई थी उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है कि नहीं की है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और बाकी मैं आपको जैसे कि बता चुका हूं,
कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी हम एक लाइव सेशन करेंगे, वहां पर टेक्निकल से रिलेटेड चाहे इंडिकेटर हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, जो भी डाउट है लाइव पर क्लियर करेंगे आपके। तो वो लाइव सेशन हम थोड़ी से अभी जो है कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ इंडिकेटर की वीडियोस बना लें, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। मे बी एक दो महीने के बाद हम वहां पर करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वहां पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत लंबी वीडियो है, आपके सामने 30-35 मिनट की वीडियो बनती है, लेकिन इसको बनाने में 5-6 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं, और उसके बाद भाई एडिटिंग वेडिटिंग बहुत सारी चीजें, तो 2 दिन कम से कम लग जाते हैं इस वीडियो को बनाने में। तो एक लाइक तो आप जरूर से कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, और स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज अपडेट के लिए आप इस चैनल पे अपडेट रह सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट नेक्स्ट वीक आ जाएगी, वहां पर भी हम ये सब चीजें शुरू करने वाले हैं। आपको सिर्फ आपको मैं बता दूंगा वेबसाइट क्या होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बाद आप वहां पर मुझे जो भी है वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जो भी आपको सीखना है, ठीक है। इवन हम ट्रेडिंग का नया कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग डेली बेसिस पर, क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्री करेंगे हम, फ्री आपको जो भी कहां पर ट्रेड लेनी है कहां पर नहीं लेनी है सब कुछ फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लिए, जैसे ही मैं वेबसाइट लॉन्च करूं तो आपको तुरंत से अपडेट मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक जबरदस्त इंफॉर्मेशनल वीडियो, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर एक इंडिकेटर की हो, और इसके अलावा 1 ईयर चैलेंज भी नेक्स्ट कल वीडियो आ जाएगी, तो आप 1 ईयर चैलेंज के लिए रेडी रहिएगा। वहां पर हम स्टॉक सेलेक्ट करके स्विंग ट्रेड में कैसे एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।